नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार। हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। 30 पोस्ट कोड की राज्य विजिलेंस से रिपोर्ट लेगा हिमाचल राज्य चयन आयोग, बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में जल्द स्टेट विजिलेंस को 30 पोस्ट कोड की भर्तियों की मंजूरी के सिलसिले में पत्र लिखेगा। 30 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया भंग कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू की गई थी, जो कि एक साल भी अधर में लटकी हुई है। विजिलेंस ब्यूरो हमीरपुर में इन पोस्ट कोड के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अधूरी जानकारी प्राप्त होने पर नवगठित आयोग स्टेट विजिलेंस से इसकी तमाम रिपोर्ट लेगा। विजिलेंस के जांच के दायरे में 20 के करीब पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षा है। रिपोर्ट मिलने के बाद जिन पोस्ट कोड को क्लियरेंस मिल जाएगी, उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर अंतिम नतीजे जल्द घोषित होंगे। नवगठित राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक डॉक्टर RK परूथी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोग कार्यालय में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही लंबित भर्ती परीक्षाओं के नतीजे घोषित होंगे। आयोग कार्यालय में शुक्रवार को भी मुख्य प्रशासक RK परूथी की अगुवाई में बैठकों का दौर दिन भर जारी रहा। इस बैठक में आयोग के प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सांस्टा, ज्वाइंट कंट्रोलर फाइनेंस प्रदीप शर्मा और डिप्टी DA राहुल चोपड़ा मौजूद रहे। बैठक में आयोग गठन की जरूरतों पर चर्चा हुई। कितना स्टाफ आयोग के संचालन के लिए प्राप्त रहेगा और ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं के लिए कितने संसाधनों की जरूरत रहेगी, इसको लेकर ही प्रपोजल तैयार कर जल्द सरकार को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि दिसंबर माह के अंत से पूर्व सानन कमेटी की सिफारिश पर इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की तरफ से ही लिया जाएगा। आयोग के मुख्य प्रशासक शनिवार को हमीरपुर में मौजूद रहेंगे। चौपाल में 2 जगह अग्निकांड, 2 मकान और 5 दुकानें जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल चौपाल में गुरुवार रात को अग्निकांड की 2 घटनाओं में करोड़ों रुपए की संपत्ति राख हो गई है। 2 मकान, 5 दुकानें, 2 गौशालाएं, 2 रसोई घर और सेब के 620 फलदार पौधे जलकर नष्ट हो गए हैं। पहली घटना में चौपाल शिमला मार्ग पर चंबी में आग लगने से 1 मकान और 4 दुकानें जलकर नष्ट हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आग पहले रिहायशी मकान में भड़की और देखते ही देखते दुकान में फैल गई। चौपाल से फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए की संपत्ति आग की भेंट चढ़ चुकी थी। दूसरी घटना में ग्राम पंचायत भराणों के लागधार में घासनी से भड़की आग की चपेट में आने से 4 कमरों का 1 घर, 2 गौशालाएं, 2 रसोई घर और सेब के 620 फलदार पौधे जलकर नष्ट हो गए। रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर गिरे फाहे, शीतलहर बढ़ी, जाने मौसम पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम बिगड़ गया है। कुल्लू और लाहौल में मौसम ने करवट ली है। शुक्रवार सुबह से दोनों जिलों में मौसम खराब रहा और शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है। दोपहर बाद रोहतांग, दर्रा व बारलाचा के साथ CB रेंज की पहाड़ियों में फाहे गिरे। क्रिसमस से पहले बर्फबारी होने की आशंका से पर्यटन कारोबारी गदगद हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिन तक मौसम खराब रहने तथा कुल्लू व लाहौल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सैलानियों को सतर्क करते हुए ऊंचे इलाकों की तरफ आवाजाही न करने की चेतावनी दी है। हालांकि जिला प्रशासन ने पहले ही सर्दी को देखते हुए जिला कुल्लू के 3000 मीटर ऊंचे ट्रैक रूटों पर ट्रैकिंग पर रोक लगा रखी है। उधर शुक्रवार को अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल, सिसु व कोकसर इलाके में भारी संख्या में सैलानी पहुंचे और बर्फ के बीच खूब मस्ती की। कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक आजकल बर्फ देखने के लिए लाहौल की चंद्रा वैली का रुख कर रहे हैं, जबकि बंजार के GB, सोझा व तीर्थन पहुंचने वाले पर्यटक जलोड़ी दर्रा, रघुपुरगढ़ व सरयोलसर पहुंच रहे हैं। DLED CET और TET का शेड्यूल हुआ जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड DLED CET के लिए 8 जून को प्रवेश परीक्षा लेगा। परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 20 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए भी शिक्षा बोर्ड ने तिथियां घोषित कर दी हैं। पहला TET 22 जून से 2 जुलाई और दूसरा 15 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा। जून में होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 4 मई, नवंबर में होने वाले TET के लिए अभ्यर्थी 27 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड साल में एक बार डीएलएड प्रवेश परीक्षा और दो बार अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाता है। वर्ष 2024 में होने वाली परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। हिमाचल में 24 घंटे खुले रहेंगे शराब के ठेके व बार, ये है वजह। हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेके 24 घंटे खुले रहेंगे। ठेके बंद होने की समय सीमा को हटा दिया गया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के कमिश्नर के स्तर पर इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि ये व्यवस्था स्थायी नहीं है, इसे 5 जनवरी 2024 तक प्रभावी रखने के आदेश हैं। विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक 24 घंटे शराब के ठेके व बार खुले रखे जा सकते हैं। ये आदेश शराब के ठेकों के साथ साथ होटल व रेस्टोरेंट में खुले बार में भी लागू होंगे। क्रिसमस व नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पर्यटकों की आमद की संभावना के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। पर्यटन सीजन के दौरान प्रदेश में शराब की उपलब्धता को 24 घंटे सुनिश्चित बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। सीएम सुक्खू बोले, एचपीयू के छात्र नहीं रहे जयराम ठाकुर, महिला भेष में आंदोलन कर सकती है बीजेपी। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मौकों पर तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा फेक डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी के साथ भाजपा विधायकों पर कसे गए तंज से सदन का माहौल गर्मा गया। मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर भाजपा विधायक सदन में खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दोनों पक्षों को शांत करने की भरपूर कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बार बार व्यवस्था दिए जाने के बाद विपक्ष शांत नहीं हुआ और नारेबाजी करता रहा। भाजपा विधायकों ने शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया था। बेरोजगारों के मुद्दे पर किए गए इस प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने सांकेतिक तौर पर डिग्रियां परिसर में जलाई। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि जलाई गई डिग्री फेक है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र नहीं रहे हैं। इस डिग्री में कुलपति के भी हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय गरिमा गिराने का सवाल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अंदेशा जताया कि भाजपा विधायक शनिवार को महिला भेष में परिसर में पहुंचकर आंदोलन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य पुरस्कार से किया गया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश को देश भर में सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदेश को यह पुरस्कार एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2023 के अवसर पर प्रदान किया। प्रदेश की ओर से यह पुरस्कार बागवानी सचिव सी पाल रासु ने प्राप्त किया। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार प्राप्त होने पर राज्य के किसानों और बागवानों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में राज्य में उच्च घनत्व बागवानी पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में कम बागवानी वाले क्षेत्रों में बागवानी के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। 3 अलग अलग मामलों में चरस तस्करी के आरोप में महिला सहित 3 काबू। जिला पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में 3 अलग अलग मामलों में महिला सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में मणिकर्ण बस स्टैंड के समीप नाकाबंदी के दौरान एक महिला से 430 ग्राम चरस बरामद की गई, जबकि दूसरे मामले में क्षेत्र के तेगड़ी नाला में 2 ट्राम उम्र 68 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय हंसूराम निवासी गाँव शिला डाकघर बरसैणी तहसील भुंतर के कब्जे से 703 ग्राम चरस बरामद की गई है। इसके अलावा तीसरे मामले में पुलिस थाना भुंतर की टीम ने राज फास्ट फूड कैफे के समीप लालचंद उम्र 49 वर्षीय पुत्र गुलाबचंद निवासी गांव रुजक डाकघर भुट्टी तहसील कुल्लू के कब्जे से 551 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध थाना कुल्लू व भुंतर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज का सुविचार, कर्मों के परिणाम किसी ना किसी रूप में जरूर मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि परिणाम भी अच्छा मिले।
तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार, प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।